हाउ टू एक्सपोर्ट कॉफी फ्रॉम इंडिया टू इटली। इटली में आप कॉफी एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमा सकते हैं, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा 9.5 लाख रुपीज पर मंथ, कैसे, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहां कहां पे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिमांड कहां कहां पे, कौन कौन सी कंट्री है, उसके बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एचएस कोड, सोर्सिंग, ईपीसी, टॉप कंपीटिटिव कंट्रीज, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डिमांड, यानी वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। यूएसए सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी दूसरी ब्राजील वगैरह बाकी दूसरी कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ब्राजील क्या उस अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, पास की कंट्री, तो वहां से ज्यादा वो इंपोर्ट करता है। हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है तो इटली इंपोर्ट करता है, हम इटली को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो यहां पे अगर बात करूं मैं, यूएसए कितना इंपोर्ट करा, यूएसए 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा। देखिए कितना बड़ा वैल्यू है, 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है, जो कि मैक्सिमम आसपास की कंट्री से कर रहा है, इंडिया से भी कर रहा है, लेकिन इंडिया से उतना नहीं कर रहा है, कम कर रहा है यूएसए कॉफी। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। जर्मनी बेसिकली 3.44 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कॉफी का, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री इनटू जर्मनी। अगर मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस भी पीछे नहीं, फ्रांस 1.94 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है कॉफी का। अगर मैं 4th नंबर की बात करें तो बेल्जियम आता है, बेल्जियम 1.71 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इटली की बात करूं, जो कि हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट इटली को ही करते हैं, हिंदुस्तान से कितना बेसिकली टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है इटली, टोटल इंपोर्ट कर रहा है 1.64 बिलियन यूएस डॉलर का, वो हमारा बेसिकली 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर तो है ही, और हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वो हिंदुस्तान से करता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, तो बेसिकली जब आप यहां देखते हैं, यहां से अगर आपको बल्क में लेना है तो 250 रुपये से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको नॉर्मली मिल जाता है। आगे हम बात भी करेंगे कि अगर आप हमारे तरह मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो इसका सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, कर्नाटक और केरला से। तो बेसिकली 250 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो जो उसकी एफओबी वैल्यू है, फ्री ऑन बोर्ड, जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने आया है डाटा रिसर्च के दौरान बेसिकली, तो फ्री ऑन बोर्ड इसका वैल्यू आ रहा है 400 से 450, यानी आप 350 रुपये में खरीदेंगे, 400 रुपये में बेच देंगे, तो लगभग आपको 50 रुपये का बेनिफिट यहां पे होता है। वैसे तो 100 रुपये का बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन 50 रुपये का एक जो एवरेज सस्टेन प्रॉफिट मार्जिन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वैसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये भी इसमें पर केजी में बच जाता है, लेकिन हम प्रॉफिट मार्जिन वही बात करें जो कि एक एवरेज, एक नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल ट्रेडर भी इसमें कमा सकता है। तो 50 रुपये में हमने एक एवरेज वैल्यू लिया है 50 रुपये। और अगर एक आप 20 फिट का एक कंटेनर भेजते हैं, वैसे तो 20 फिट के कंटेनर में कोई अगर राइस, चावल, इस टाइप का कुछ आप सामान भेजते हैं तो 25 टन माल आता है, 20 फीट के कंटेनर में 25 टन माल आता है। लेकिन जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी थोड़ा हल्की होती है, उसका जो बल्क डेंसिटी है वो कम होता है, बल्क डेंसिटी उसका 873 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है बेसिकली, तो वो हल्का होता है, वजन कम होता है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो 25 टन ना आके वो 90 टन आता है, यानी 19 टन माल ही आता है आपका बेसिकली एक 20 फिट के कंटेनर में, 20 फिट के जो ड्राई टाइप कंटेनर होता है उसमें 25 टन माल ना आके 19 टन माल आता है। तो 50 रुपये इंटू 19 इंटू 1000 उतना रुपीज़ आपका हो जाता है, तो ये 19000 यानी 19 मीट्रिक टन, मतलब 19000 किलोग्राम, 19000 किलोग्राम इंटू 50 करते हैं तो ये आता है 9.5 लाख, 9.5 लाख रुपीज। अगर आप महीने में एक भी कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 9.5 लाख रुपीज का बेनिफिट होने वाला। ये प्रॉफिट की ही मैं बात कर रहा हूं, पूरे कंटेनर की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। 9.5 लाख रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं अगर एक कंटेनर भी आप क्रैक कर पाते हैं। और आप देखिए, जब आपका बिजनेस चलने लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, तो आप एक कंटेनर से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे जो कि वीकली भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए बेसिकली अगर मैं अपनी ट्रेनिंग का
बताऊं तो हमारे ट्रेनिंग भी उसमें होती है, तो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हम सिखाते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, बायर को कैसे फाइन करते हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, आगे हम गवर्नमेंट के बेनिफिट की भी बात करें, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट होते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। तो अगर आप सही मेंटर आप ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और ट्रेनिंग के बाद भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप बेसिकली लाभ उठा सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट चाहती है, क्या दे रही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदुस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, स्पेशली कॉफी का भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको गवर्नमेंट कितनी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट आपको डीबीके दे रही है 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 0.15% आपको डीबीके मिल रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है, इंडियन कस्टम जो आपको देता है वो 0.15% का डीबीके दे रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर सेकंड नंबर बेनिफिट्स की बात करूं तो आईईएस आपको मिलता है, यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, बेसिकली वो आपको जैसे कि आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग आपको देता है, कुछ बेनिफिट देता है, कुछ परसेंटेज में छूट देता है, यानी गवर्नमेंट आपकी तरफ से पे करता है। तो बेसिकली एमएसएमई अगर आप हैं तो आपको 3% मिल रहा है, 3% आपको मिल रहा है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको 0% मिल रहा है। अगर मैं आरओडीपी की बात करूं, रोड टेप यानी रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो कि पहले एमईआईएस था अभी रोड टेप हो गया, तो रोड टेप 1% मिल रहा है, 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपका 5 लाख का कंटेनर, 20 लाख का कंटेनर, 10 लाख का कंटेनर, 50 लाख का, जितना भी आपका शिपमेंट वैल्यू जिसका एफओबी वैल्यू है उसका 1% डायरेक्ट आपको आरओडीपी मिल रहा है रोड टेप। अगर मैं बात करूं टीएमए, यस इसमें टीएमए भी मिलता है, जो कि हमने रिसर्च किया इटली के लिए, इटली के लिए हमें कितना टीएमए मिलता है, टीएमए मतलब ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, इसमें मिल रहा है आपको बेसिकली 14,200 रुपए, 14,200 रुपीज आपको मिल रहा है पर टीईयू। टीईयू क्या होता है, 20 इक्विपमेंट यूनिट, यानी शिपिंग लाइन का जो छोटा ड्राई टाइप 20 फीट का कंटेनर होता है उसको 1 TEU बोला जाता है। तो एक कंटेनर के ऊपर आपको 14,200 रुपए मिल रहे हैं। अगर वही कंटेनर आपका रिफर कंटेनर, क्योंकि रिफर जो है ज्यादा दूर जाने वाली कंट्री में बेसिकली रिफर कंटेनर से ज्यादा है, तो रिफर कंटेनर में आपको 20 फीट का एक, 20 फीट का एक रिफर कंटेनर में आप अपना सामान भेजते हैं, अपनी कॉफी भेजते हैं, तो आपको 31,500 यानी 31,500 रुपीज गवर्नमेंट आपको देती है पर TEU रिफर कंटेनर के केस में। अगर आप बोलेंगे सर मुझे बाई एयर करना है, तो बाई एयर में भी आपको 2.24 रुपीज पर केजी दे रहा है, 2.24 रुपीज पर केजी TMA आपको मिल रहा है। अगर मैं HS कोड की बात करूं तो ये 09 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 01 है, तो इसका HS कोड बन जाता है 09012190। इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं सोर्सिंग की बात करें, अगर हमारी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप इसका सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, आपको सीधा जाना होगा कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 2.85 लाख मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है। और सेकंड नंबर की बात करूं तो केला आता है, केला 0.74 लाख मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है, यानी 74,000 का, 74,000 मीट्रिक टन का, यानी केरला और कर्नाटका दो स्टेट को अगर मैं मिलाता हूं तो जितना भी हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन होता है उसका 90% इन्हीं दो स्टेट में होता है। और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु 20,000 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये टॉप 3 सोर्सिंग डेस्टिनेशन है, आप वहां से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ईपीसी की बात करूं तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसके तो कॉफी बोर्ड लगेगा, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 6,200 रुपए देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि RCMC कैसे लेते हैं। अगर टॉप कंपिटेटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है कॉफी का, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है ब्राजील। ब्राजील 5.08 बिलियन US डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना बड़ा वैल्यू है देखिए, 5.08 बिलियन US डॉलर का वो एक्सपोर्ट कर रहा है। स्विट्जरलैंड नंबर 2 पे आता है, स्विट्जरलैंड 2.71 बिलियन US डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी 2.59 बिलियन US डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। कोलंबिया
2.54 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम भी हमारा इसमें कंपटीटर है, वियतनाम हमारा राइस में भी कंपटीटर है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वियतनाम, राइस में भी हमारा कंपटीटर है और कॉफी में भी हमारा कंपटीटर है। तो राइस वियतनाम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है कॉफी, 2.24 बिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो हमारे कर्नाटक से रहने वाले भाई बहन है, केरला से रहने वाले, तमिलनाडु से रहने वाले हैं, या फिर जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कॉफी में, या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, अपने प्राइसिंग एंड क्वालिटी का आप ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान का टॉप 5th एक्सपोर्टर कंट्री में अपना नाम लेके आए, हम भी गर्व से बोल सकेंगे कि आप हमारे एक्सपोर्टर लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी ताकत दिखाइए, अपनी एनर्जी दिखाइए, अपना पोटेंशियल दिखाइए और दिखा दीजिए सबको कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की 5th कंट्री में कॉफी का भी एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड की 5th कंट्री में आता है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, या फिर जो कॉफी का काम कर रहा है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ आपको एडिशनल वैल्यू चाहिए या फिर कुछ आप उसमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ नेक्स्ट तो वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.